प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर रजरप्पा से मैं शंकर पोदार। मैं इस वक्त रजरप्पा मंदिर परिसर में हूँ। पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश होने के कारण भैरवी नदी और दामोदर नद में भारी बाढ़ आ गई है, जिस कारण रजरप्पा मंदिर के मुख्य द्वार, मुंडन साला और यहाँ की सैकड़ों दुकानें जलमग्न हो गई है। साथ ही तांत्रिक घाट और भैरवी नदी पर बने छिलका पुल बाढ़ के पानी में समा गई है। नहीं यार, हेलो, एक रो खाली वो दिखा जो नहीं है पूरे तो भाई ने हमारा जाना ना था। माँ भगवती के दरबार में दामोदर और भैरवी का विहंगम दृश्य हो चुका है। इससे पूर्व भी कई साल पहले इस प्रकार का बारिश की वजह से दोनों नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ा था। इस बार भी चूंकि रात में ही प्रशासन अलर्ट कर चुका था, प्रशासन की ओर से सूचना मिल चुका था कि नदी के किनारे जितने भी दुकानदार हैं, चाहे जो भी लोग बसे हुए हैं, उनको रजरप्पा मंदिर से अनाउंस करके सारे लोगों को आगाह कर दें कि नदी के सामने न जाएं, चूँकि पतरातू डैम का जो है फाटक खुलने वाला है। और आज वही दृश्य यहाँ पर देखने लायक है। माँ भगवती का चरण स्पर्श करके भैरवी नदी दामोदर के साथ मिल रहा है। दामोदर और भैरवी का संगम ऐसा लग रहा है कि मानो एक जैसा हो गया, यह दृश्य बन चुका है। मंदिर न्यास समिति की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया? हम लोग यहाँ मंदिर न्यास समिति की ओर से माइक से अनाउंस कर दिए जा रहे हैं कि कोई भी नदी के किनारे ना जाए, कोई भी यात्री, जो भी यात्री घूमने आए हैं नदी के आसपास न जाए। आ रहे बाबा, प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।